हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो पूरी तरह से अच्छा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M54 के बारे में बताऊंगा। 29 नवंबर को यह स्मार्टफोन गीक बेंच पर लिस्ट हुआ था। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई दूसरी खबर निकल के नहीं आई है, लेकिन इसके बारे में ना काफ़ी सारे अफवाहें चल रही है। और गीक बेंच के द्वारा इसका रैम, एंड्रॉयड वर्जन और प्रोसेसर के बारे में पता चल चुका है। तो चलो मैं आपको गीक बेंच और रूमर्स के आधार पर इस फोन का स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहले इसके लुक और डिजाइन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। ये जो पहला इमेज देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसका बैक का डिजाइन हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी इस फोन का डिजाइन हो सकता है। पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट ये एम सीरीज है, इसलिए प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक का बैक तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। और फ्रंट का साइड कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सेंटर पंच होल कटआउट में डिस्प्ले होगा। और इस फोन का जो बेजल्स होगा, जो किनारा होगा, वो काफी कम देखने के लिए मिलेगा। और इसी बात पर इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, 6.67 इंच या फिर 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। और इसमें ना HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी होगा। जिन लोगों को नहीं पता, इसका मतलब है नॉर्मल डिस्प्ले से थोड़े से ज्यादा और अच्छे कलर्स मिलते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में उतना पता नहीं चलता है। और दोस्तों, ये एम सीरीज का स्मार्टफोन है, और इसीलिए दूसरे एम सीरीज की तरह ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली बात हो सकती है जिन लोगों को डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद है, उन लोगों के लिए। अब इस फोन के कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिसमें EIS होगा, OIS का सपोर्ट नहीं होगा, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो और डेप्थ कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। आपको लग रहा होगा कि A54 में तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा, इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इसका जो कैमरा होगा ना, वो A54 से थोड़ा सा आपको कम देखने के लिए मिलेगा, और इसका प्राइस भी कम होगा A54 से, तो आप ये एक्सपेक्ट भी करोगे। तो अगर आप कैमरा कंपैरिजन करोगे तो आपको ज्यादा शिकायत भी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस फोन का कैमरा आपको अच्छा नहीं मिलेगा। काफी अच्छा कैमरा मिलेगा, इसका फोटोज, इसका वीडियोस काफी अच्छा होगा। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 4K वीडियो और स्लो मोशन वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और जनरली सैमसंग के सारे ही फोन के कैमरा काफी अच्छे होते हैं, और इसलिए इसका कैमरा भी काफी अच्छा ही होगा। अब हम लोग इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। काफी समय पहले इस तरीके का रूमर्स आ रही थी, इस फोन में स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो गीक बेंच पर यह फोन लिस्ट हुआ था, जिसमें 750 सिंगल कोर में और 2696 मल्टी कोर में यह फोन स्कोर कर रहा है, और वहीं से पता चलता है कि इस फोन में आपको एक्जिनोस का 1380 वाला प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि यहां पर आर्म लिखा हुआ है और इसका जो क्लॉक स्पीड वगैरह है वो एक्जिनो 1380 से मैच करता है। और इसी गीक बेंच से पता चलता है यह फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आएगा, और जब एंड्रॉइड 13 के साथ आ रहा है तो UI 5.0 होगा और 8GB की रैम से स्टार्ट होगी, लेकिन हो भी सकता है इसमें आपको 6GB वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाए। और आप लोग चिंता मत करना, इस फोन के बारे में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मैं इस फोन के बारे में क्या सोचता हूं और ये किसके लिए यह फोन है। इससे पहले हम लोग इस फोन के बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। रूमर्स चल रहे हैं इस फोन में 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन इस फोन का बैटरी 5000 से 6000 के बीच भी हो सकता है, या तो 5000 mAh भी मिल सकता है या फिर 6000 mAh भी मिल सकता है। लेकिन आपको 25 वाट का ही फास्ट चार्जिंग मिलेगा, और डब्बा में तो आपको चार्जर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब क्या ही कर सकते हैं, चार्जर नहीं मिलेगा तो आपको पुराना वाला चार्जर, या फिर नहीं है तो नया भी खरीदना पड़ सकता है। इस फोन का प्राइस 30,000 के अराउंड देखने के लिए मिलेगा, और गीक बेंच पर ये 29 नवंबर को लिस्ट हुआ था, तो करीब करीब वही जनवरी के अराउंड ही आपको इस फोन का लॉन्च भी देखने के लिए मिलेगा। या जो फोन होगा वो सैमसंग के दूसरे फोन से काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन कम प्राइस में लेके आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे कि कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस फोन से गेमिंग करना चाहोगे तो आप तगड़ी गेमिंग नहीं कर सकते, गेमिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस फोन का डिस्प्ले, इस फोन का कैमरा, और एक बात बताना भूल गया था, इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर भी होगा। काफी सारी अच्छी बातें भी हैं, काफी सारी कुछ कमियां भी हैं, बट दोस्तों ओवरऑल ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। और अगर आप एक सॉफ्टवेयर के लिए फोन लेना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप इस फोन को ले सकते हो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो यही था मेरे दिल की बात है। अब अपनी दिल की बात है नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सभी को बाय।